गोरखपुर के नौसर चौराहे पर स्थित टीवीएस एजेंसी में घुसकर चोरी करने के मामले में प्रकाश में आए एक अभियुक्त को गीडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी का एक चार पहिया वाहन, दो पहिया वाहन के पुर्जे व 30,180 रुपए नगद बरामद किए जाने का वादा किया है। गुडवर की जानकारी एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि गीडा थाना प्रभारी योगेंद्र राय के नेतृत्व में नौसर चौकी प्रभारी सुधांशु सिंह ने हमराही फोर्स में शामिल मुख्य आरक्षी शैलेंद्र यादव, अतुल यादव, अनिल चौधरी व आरक्षी सुनील यादव, जयसूर्य गौतम व वीरेंद्र सिंह यादव थाना गीडा बरियानपुर गोरखपुर की मदद से आरोपित को पकड़ा। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम अविनाश चौरसिया पुत्र विजय कुमार निवासी बरई टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर का बताया। पुलिस आरोपित को धारा 457, 380 एवं 411 आईपीएस के तहत कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद कोतवाली में हत्या का प्रयास, आर्म एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा, एसएसपी गोरखपुर सर द्वारा जो अपराधी विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है उसके क्रम में आज थाना गीडा पर एक गिरफ्तारी हुई है। 457-380 का एक अभियोग लिखा गया था, उसका अभियुक्त आज पकड़ा गया, जिसमें एक फोर व्हीलर व्हीकल और 30,000 रुपये से अधिक नगद बरामद हुए। इसके अलावा उसके द्वारा जो भी सामान ऑटो पार्ट्स के उपकरण चुराए गए थे, वे सारे के सारे बरामद कर लिए गए हैं और अभियुक्त को विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है।